ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀಗ್ನೇಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ್ ಛೇ ಚಾರ್ ಕಹಾನಿ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಆದಿ ಮೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರಳ ವಾಕ್ಯೋಂಕು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಪಡೆಂಗೆ ಔರ್ ಲಿಖೆಂಗೆ. इस चित्र के बारे में दो तीन वाक्यों में लिखे और बोले. उचित शब्द भरकर वाक्यों को पूर्ण करें. शिक्षक प्रतिपुष्टि अंदर मक्कल ಒಂದು फीडबैक ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बोले और लिखे. वाक्यों को ध्यान से पढ़े और लिखो. बॉक्स में अपनी तस्वीर चिपकाओ और अपने बारे में 4-5 सरल वाक्य लिखो और पढ़ो. शिक्षक प्रतिपुष्टि. निम्नलिखित वाक्यों को कन्नड़ में अनुवाद करो. अपने घर के बारे में 2-3 वाक्य पढ़ो और लिखो. नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक वाक्य बनाओ. शिक्षक प्रतिपुष्टि. कहानी के वाक्यों को अनुक्रम से लिखकर कहानी को पूर्ण करो. नमूने के अनुसार दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ. अपने स्कूल के बारे में 5 वाक्य अपने नोटबुक में लिखकर दिखाओ. नीचे लिखा हुआ है ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಹಂತದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬುವುದು. सीखने के प्रतिफल 7 संयुक्त अक्षर रेप पदेन और गिनती को संदर्भानुसार सीखेंगे. संयुक्त अक्षरों का पहचान. पत्थर पत्ता पुस्तक. संयुक्त अक्षरों से बने शब्दों को लिखें. शिक्षक प्रतिपुष्टि. रेप पदेन का प्रयोग. दर्पण सूर्य पर्वत गर्त. नीचे दिए गए शब्दों पर रेप लगाकर लिखो. कोष्टक में दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो और डब्बे में लिखो. पढ़ो और समझो. पदेन. नीचे लिखे पदेन युक्त शब्दों को ध्यान से पढ़ो. शिक्षक प्रतिपुष्टि. आओ सीखे गिनती आंखों से बनती. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तालिका में 1 से 10 तक गिनती पूर्ण करो.
तालिका में उचित अंकों से रिक्त स्थान भरो। 10 से 1 तक के अंकों को उल्टी गिनती लिखो। गोले में दिए गए अक्षर की सहायता से मिलन करके शब्द बनाओ। सब्र क्रिकेट चक्र फर्क। संयुक्त अक्षर से बने शब्दों को लिखो। 1 से 100 तक के गिनती अपने नोट पुस्तक में लिख कर दिखाओ। ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸಲುವಾಗಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವುದು. 1 ಸೇ 100 ತಕ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಗಿಂತಿ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.